Assalamu alaikum class 3, myself Aslan Shahzad. Hope so you all are fine and doing well and safe at home. This is your computer science class and our topic is functionalities of computer. That which functionalities computer can perform, which actions computer can perform. So we will discuss in this lecture. So here we start. Any digital computer carries out 5 functions in general. Computers class computer ke jo 5 basic functions hain wo yahan pe mentioned hain. Sabse pehle hai take data as input. Computer ko hum data as an input dete hain. Store the data or instruction in its memory and use when required. और क्या है कि जब हम कंप्यूटर्स को डाटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है जो वहाँ पे मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पे डाटा स्टोर किया जा सकता है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. एंड जो डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, एक्शंस परफॉर्म होते हैं एंड देन कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है वहाँ से. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज़ जनरेट द आउटपुट. ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है कि उस डाटा पे इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, मीनवाइल डाटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस होने के बाद वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है अपने पास, प्लस वो डाटा की बेस पे हमें आउटपुट भी जनरेट करके दे देते हैं. ठीक है. द फिफ्थ पॉइंट इज़ कंट्रोल्स ऑल ऑफ द अबव 4 फंक्शंस. और कंप्यूटर क्या करता है कि जो अबव के जो 4 फंक्शंस हैं, ठीक है, जो अबव फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी कंट्रोल करते हैं. फंक्शंस कौन कौन से हैं? डाटा को एज अ इनपुट डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, डाटा प्रोसेस हो सकता है और आउटपुट क्रिएट की जा सकती है. ठीक है क्लास, नीचे पढ़ते हैं. कंप्यूटर इज़ अ मशीन कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. अ कंप्यूटर रिसीव डाटा थ्रू एज एन इनपुट यूनिट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इट इज़ गिवन एंड आफ्टर इट प्रोसेस द डाटा इट सेंड इट बैक थ्रू एन आउटपुट डिवाइस. बच्चों कंप्यूटर का जो बेसिक जो फंडामेंटल जो बेसिक फिनोमेना है, ठीक है, वो यही है कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू या बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू कंप्यूटर को हम डाटा इनपुट करते हैं. उस इनपुट की बेस पे कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है. मीनवाइल वो जो हम इनपुट देते हैं वो इनपुट की बेस पे कंप्यूटर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर प्रोसेस होने के बाद वो हमें उसका रिज़ल्ट क्रिएट करके देता है. जैसे आप कोई 2 नंबर एंटर करते हैं, 3 + 4 आपने इनपुट दे दी, अब 3 + 4 वो दोनों पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? वो प्लस हो रहे हैं. कंप्यूटर उन पे एक्शन परफॉर्म करेगा, 3 + 4 को ऐड करेगा और उसकी जो आउटपुट आएगी 7 वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा. ठीक है. इन सिंपल वर्ड इट टेक इनपुट एज डाटा प्रोसेस इट एंड गिव्स आउट इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट. और बहुत सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को हम एज अ इनपुट देते हैं डाटा, वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर और फिर हमें उस प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है एज एन आउटपुट. ये नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पहले तो ऊपर ये जो बॉक्स में लिखा है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. इनपुट में आप डाटा देते हैं, इंटर करते हैं, वो प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट क्रिएट होती है. ठीक है. और नीचे जो है वो डाटा कोई भी आप चीज़ एंटर करते हैं कंप्यूटर को, वो डाटा कहलाता है. ठीक है. आप डाटा देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. ठीक है क्लास, ये आज आपका टॉपिक है और आज आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि आपने अपनी कॉपीज पे ये 5 फंक्शनैलिटीज़ रिटन लिख लेनी है. ठीक है. ये जो लिखी हुई हैं फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, ये जो 5 फंक्शनैलिटीज़ हैं ये आज आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लेनी है. ठीक है. और आपका जो यही होमवर्क पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.